Hey guys, welcome to your own channel, EduLogical, one destination for all information. तो गाइज यहाँ पर बहुत ही सारी CBSE की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है. चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या फिर क्लास 12, आप सभी के लिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स CBSE की तरफ से सामने निकल कर आ रही है जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है. तो गाइज यहाँ पर सबसे पहली अपडेट जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं जो है आपके Term-1 स्कोर कार्ड को लेकर, जिसको आप इनफॉर्मली Term-1 रिजल्ट भी कह सकते हैं. तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें आपके Term-1 के रिजल्ट के बारे में या फिर आपके Term-1 के स्कोर कार्ड के बारे में, तो इसको लेकर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है. तो गाइज जैसा कि आप सबको पता है कि भाई यहाँ पर क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, यानी कि क्लास 10th के जो Term-1 एग्जाम्स थे, वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं. अब यहाँ पर बाकी है तो सिर्फ 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी हैं, और अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल 12th क्लास के भी सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन Term-1 के खत्म हो चुके हैं. लेकिन यहां पर कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट बाकी हैं जो कि यहां पर 29 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा. तो गाइस अब यहां पर ये भी आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन के बीच में CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया था जहां पर ये बताया था कि भाई अब से हम जो है सेम डे इवैल्यूएशन, यानी कि जो सेम डे कॉपी चेकिंग होती थी ओमआर की, अब वो बंद कर रहे हैं. तो गाइस एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि यहां पर Term-1 खत्म होने के 10 दिन बाद, यानी 10 जनवरी 2022 तक आपका जो रिजल्ट है उसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. और मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें गाइस यहां पर, तो अगर हम देख सकते हैं तो 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपका जो ये हाई पॉइंट रहेगा रिजल्ट का. तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार आपको न्यू ईयर में रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है न्यू ईयर में हमें रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन यहां पर डिले हो गया कई सारी चीजों की वजह से. सेम डे इवैल्यूएशन अब नहीं हो रहा है. आप सबको पता है कि रीजनल ऑफिस में सारे के सारे कॉपी चेकिंग वगैरह हो गई है, लेकिन यहां पर मेजोरिटी ऑफ जो सब्जेक्ट्स थे क्लास 10th के और 12th के भी, वो सब यहां पर सेम डे इवैल्यूएशन के साथ पहले ही हो गए थे CBSE के सर्कुलर आने से पहले, जिस वजह से गाइस यहां 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आप सभी का Term-1 स्कोर कार्ड रिलीज हो सकता है. तो गाइस यहां पर आप सबके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि CBSE जो है रिजल्ट दिखाने के बजाय Term-1 का हमें OMR कॉपी शो कर सकती है कि ये लीजिए अपनी OMR कॉपी और आप जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर यहां पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं तो उसको भी CBSE को शो करना पड़ेगा. तो गाइज यही कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर सामने निकल कर आ रहा है. मेरे अकॉर्डिंग अगर हो सकता है कि क्या पता CBSE यहां पर आपके मार्क्स भी शो करे, चाहे वो थ्योरी में हो, प्रैक्टिकल में हो. इसी के साथ साथ गाइज यहां पर जो आपकी OMR कॉपी है जहां पर आपने आंसर रिस्पॉन्स दिया है उसको भी यहां पर CBSE अपलोड कर दे. हालांकि गाइज यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि जो OMR शो करने का मसला है, तो गाइज ये यहां पर CBSE की तरफ से न्यूज आ रही थी जहां पर एक CBSE के ऑफिशियल ने कहा था कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं. तो अभी यहां पर बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई हम आपको OMR जो यहां पर आपकी OMR शीट है, जो आपकी आंसर शीट है, वो शो ही करेंगे. ये यहां पर सिर्फ एक प्लानिंग चल रही है. अब हो सकता है यहां पर CBSE क्या डिसीजन ले वो CBSE के ऊपर डिपेंड करता है. 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं आपको कि यहां पर आप सबको पता होगा कि इस बार कोई भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा. इसी के साथ साथ यहां पर आपका जो है फाइनल रिजल्ट ये नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ आपका स्कोर कार्ड निकलेगा, यानी आपके सब्जेक्ट के कौन-कौन सब्जेक्ट में कितने-कितने मार्क्स बनने हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा. और इसी तरीके से गाइस आप सबको पता है कि यहां पर जो स्टूडेंट कोविड इंफेक्शन की वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, वो उनके लिए यहां पर CBSE थोड़ा अलग प्लानिंग कर सकता है. और जो स्टूडेंट यहां पर एब्सेंट हो गए थे उनके जो है यहां पर जो मार्क्स है 50% वाले जो सब्जेक्ट के, वो हो सकता है CBSE यहां पर इंटरनल मार्क्स की बुनियाद पर या फिर Term-2 की परफॉर्मेंस के बेसिस पर यहां पर उन सबको मार्क्स अवार्ड किया जाएगा. तो गाइज अब अगर हम बात करें यहां पर दूसरी अपडेट के बारे में या दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो है आपकी स्क्रीन के सामने. जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये है आपका CBSE की ऑफिशियल साइट, और यहां पर हाल ही में CBSE ने मॉडल आंसर्स डाले हैं जो कि टॉपर्स के हैं. आप देख सकते हैं यहां पर ये मॉडल आंसर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर के आंसर शीट है टॉपर्स की, 2022 की, 2019 की, 2018 की. तो गाइज यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 10th और सारी क्लासेस की यहां पर डिटेल्स भी मिल जाएगी कि भाई आपको कौन सी क्लास का देखना है, क्लास 12 या क्लास 10th. आपको मैं बता दूं कि इस बार आपके Term-2 का आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपका Term-2 का एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए आप सभी को यहां पर टॉपर की आंसर शीट एक बार एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. या मैं कह सकता हूं ये सारी की सारी जो मॉडल आंसर शीट यहां पर प्रोवाइड की गई है CBSE के द्वारा ऑफिशियली, वो आप सबके लिए हीरा है हीरा. जी हाँ, तो गाइज यहां पर आपको ये देखना है कि हमें किस तरीके से यहां पर आंसर लिखना है जिसकी वजह से यहां पर टॉपर्स के फुल मार्क्स आ रहे हैं, वो अच्छे से मार्किंग स्कीम को यूटिलाइज कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है.
इसको एनालाइज करने से आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि भाई किस तरीके की यहाँ पर एग्जामिनर चेकिंग करता है। अगर हम देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लास 10 पे क्लिक करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं डाउनलोड क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पीडीएफ है इसकी वो ओपन हो जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हैं ये सोशल साइंस है और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर गाइज क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं सोशल साइंस की पीडीएफ है, एक टॉपर की पीडीएफ है जहां पर फुल टू फुल जिसके मार्क्स आए हैं और इन सबको देखने से आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, किस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। वैसे हालांकि हम यहाँ पर आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं जो कि टर्म सेकंड एग्जाम के फॉर्मेट पर पूरी डेडिकेटेड होगी, आंसर राइटिंग के ऊपर होगी कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, किस तरीके से लिखना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और ऑफिशियल अपडेट्स मिलते रहते हैं। अब यहां पर गाइस बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे तीसरी अपडेट की तरफ। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर तीसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पर ये अपडेट थोड़ी सी आप सबके लिए संजीदा हो सकती है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि भाई नॉर्मली प्रीवियस ईयर आप देखें या उससे पहले देखें तो यहाँ पर हम लोग का जो सिलेबस है वो दिसंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। लेकिन इस बार जब से आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला है उस वजह से यहाँ पर आपका जो 50% सिलेबस है वो डिवाइड होकर पूरा किया जा रहा है। लेकिन टर्म सेकंड में दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर टर्म वन का तो आपका आराम से कंप्लीट हो गया मामला, लेकिन टर्म सेकंड में आप देखेंगे तो अभी भी आपका 50% सिलेबस बाकी है और दिसंबर खत्म होने की कगार पर है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको सबको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर स्पेशली इसको मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ बाकी है टर्म सेकंड के एग्जाम के लिए, आपको 50% सिलेबस अपना यहाँ पर कंप्लीट करना है। और सीबीएसई के टीचर्स या मैं कहूँ सीबीएसई जो स्कूल्स हैं वो काफी ज्यादा वरिड हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। दैट्स व्हाई मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो है चेक कीजिए हर एक सब्जेक्ट का और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसी मोमेंटम के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिस मोमेंटम के साथ आपने यहाँ पर टर्म वन के एग्जाम के टाइम पर किया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आप देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर आपका जनवरी फरवरी से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता था, दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार आपका आधा सिलेबस हुआ है, तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर अभी से ही प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी स्पीड में करना शुरू कर दीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे किसी को भी टाइम नहीं मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें गाइस यहां पर कि क्या यहां पर जो टर्म सेकंड का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा या फिर वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो देखिए इसको लेकर सीबीएसई ने सर्कुलर बहुत ही पहले जारी कर दिया था और बताया था कि भाई ये जो टर्म सेकंड एग्जाम है अगर यहां पर जो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि ओमिक्रोन आप सबके सर पे है, तो इसलिए यहां पर क्योंकि अभी पिछले दिनों में काफी सारे केसेस हमें देखने को मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को काफी सारे मेजर्स लेने के लिए, काफी सारे रूल्स रेगुलेशन लगाने के लिए कहा है, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। सर्कुलर में यह कहा गया था कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो आपका ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव ही लिया जाएगा, या फिर अगर सिचुएशन एकदम खुदा ना खास्ता एकदम बेकार हो जाती है सिचुएशन जैसे कि पिछले साल की तरह हुई थी तो उस टाइम पे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके टर्म वन की बेसिस पर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हाई चांस मुझे देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर गाइस सब्जेक्टिव का, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने भी अभी इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है और जैसा कि सर्कुलर में कहा गया था कि भाई सब्जेक्टिव है और सारे के सारे एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप सबको प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। तो गाइज यही थी प्रॉपर अपडेट जो मुझे आप सबको बताना था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो आपसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन उसी स्पीड के साथ शुरू कर दें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज लाते रहते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।